This conference will now be recorded. वॉल्यूम वाला पार्ट क्या है? देखिए दो चीजें होती हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं डॉकर वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स का सिंपल सा नेम है गाइस पार्टीशंस। तो पार्टीशंस पार्टीशन वर्ड जो बोला जाता है ना गाइस, बेसिकली वो बोला जाता है विंडोज के अंदर। और लिनक्स के अंदर वर्ड बोला जाता है डायरेक्टरी। लिनक्स के अंदर यही वर्ड बोला जाता है डायरेक्टरी। बट दोनों में एक चीज कॉमन है कि एक आपको पहले मैं बता देता हूं किसी भी चीज के लिए कि हमारी दो चीज होती है, एक होता है वॉल्यूम्स और एक होता है पार्टीशंस। नाम सुने दोनों के गाइस, सुने या नहीं सुने? बलोदी, गोपाल, विकास? हाँ सुने सर। गाइस व्हाट्स द डिफरेंस वॉल्यूम एंड पार्टीशंस? कुछ तो डिफरेंस होगा जब ये दो स्टेप्स के नाम दिए तो। होगा या नहीं है या सेम है बहुत हार? नहीं सर होगा, तभी तो नेम डिफरेंट है। पार्टीशन तभी तो पूछ रहा हूँ सर, डिफरेंस है दोनों। और डिफरेंस है क्या? पार्टीशन तो हमारा नॉर्मल विंडोज में करते हैं कि पार्टीशन क्रिएट करना बनते है। हैं विंडोज में, अगर आप देखें राइट क्लिक करके, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड डिस्क मैनेजमेंट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे वॉल्यूम्स बनेंगे सर। वॉल्यूम में भी कलेक्टिव फॉर्म हो और पार्टीशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसा कुछ, क्योंकि मतलब नाम से ऐसा साउंड कर रहा है। नथिंग 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 बलोदी, गाइस देखिए दोनों में क्या फर्क है और क्यों वॉल्यूम वर्ड दिया गया और क्यों वॉल्यूम्स यूज होते हैं आपके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और क्यों पार्टीशनिंग का यूज नहीं होता है ज्यादा? ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, पार्टीशन क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा। बिकॉज कि जो पार्टीशन है हमारे, वी कैन क्रिएट ओनली 4 पार्टीशन इन विंडोज। हम सिर्फ 4 ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। और व्हेन वी यूज जीपीटी वायर्स ग्लोबल, एक हमारी जीपीटी का ऑप्शन आया है ग्लोबल पार्टीशनिंग टेबल, अगर हम जीपीटी बायोस यूज करते हैं जो कि आजकल के सारी जो लेटेस्ट बायोस आ रही है जीपीटी, तो हम अनलिमिटेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास पार्टीशन होते हैं, तो पार्टीशन की बात करें तो प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल ड्राइव्स, ये 3 चीज होते हैं। नाम सुना होगा इनका, पार्टीशंस, एक्सटेंडेड, लॉजिकल ड्राइव, सुना है या नहीं सुना? हाँ जी सर, परफेक्टली सुना होगा। सो यहीं पर ही आता है गाइस कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन, तो हमेशा क्या होता है कि हम एक हमने एक हार्ड ड्राइव लिया है। Suppose I am using the single hard drive. हमने एक hard drive लिया है और I am logging with this particular hard drive. मैं इस hard drive से मैं के अंदर क्या कर सकता हूँ? या तो मैं maximum 4 primary partitions बना सकता था. Like आपके पास अगर मैं कहता हूँ 500 GB की hard drive है और आपने 100 GB के partitions create कर दिए, तो remaining 100 GB का आप use ही नहीं कर पाओगे। आपको वो जो पार्टीशंस है, जो स्पेस है, वो इन 4 ड्राइव्स के अंदर ही एलोकेट करना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट जो हमारी विंडोज इंस्टॉल करते हैं वो हमारे सी ड्राइव के अंदर जाती हैं, और सी ड्राइव इज बाय डिफॉल्ट इज प्राइमरी पार्टीशन। सो यू कैन सी कि अगर मैं डिस्क मैनेजमेंट पे गाइस यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे प्राइमरी पार्टीशन है और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का आ रहा है प्राइमरी पार्टीशन। दैट मीन 1 2 3 4 प्राइमरी पार्टीशन मेरे बने हुए हैं।
तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारे प्राइमरी पार्टीशन है ये, आप एक उसके अंदर मिनिमम एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हो, या तो आप 3+1 यानी कि 3 primary partition + 1 extended partition बना दो, और इनसाइड द एक्सटेंडेड पार्टीशन यू कैन क्रिएट द मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव, आप मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव उसके अंदर बना सकते हो, CDEF, तो ये लॉजिकल ड्राइव्स हैं। बट गाइस इसमें और वॉल्यूम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो पार्टीशन है ना वो तो बनते हैं आपके हार्ड ड्राइव के अंदर, और सपोज करो कि मेरा एक सी ड्राइव है, ये पूरा का पूरा मैंने सी ड्राइव बना दिया सी ड्राइव, और मेरी हार्ड ड्राइव जो है दिस इज अ 500 GB। गाइस अब मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई तो क्या आप इसका स्पेस एलोकेट बढ़ा सकते हो? गाइस इसका स्पेस एलोकेट कर सकते हो, सी ड्राइव का स्पेस बढ़ा सकते हो अगर आपकी हार्ड ड्राइव फुल हो जाए? बलोदी, गोपाल, विकास, नहीं, 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 नहीं।, नहीं बढ़ा सकते ना। बट वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो वॉल्यूम्स बनते हैं ना, वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम्स का जो बैकएंड में हम मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगाते हैं, वॉल्यूम्स में हम क्या करते हैं, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 3 हार्ड ड्राइव लगाई 5500 की, यानी कि दिस इज अ टोटल स्पेस इज 1500 GB। और अब मैंने क्या करा, इसमें से पर्टिकुलर क्या करा, अपना एक पार्टीशन क्रिएट करा जिसको बोलते हैं वॉल्यूम क्रिएट करा, और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया 1000 GB का। कितने का? 1000 GB का। गाइस तो ये 1000 GB जो है तीनों हार्ड डिस्क में से एलोकेट करेगा ये। अब अगर फर्दर आपको ये 1000 GB बढ़ जाता है, फुल हो जाता है, आप स्पेस एडमिन को बोलते हो हमारा स्पेस इंक्रीज कर दो, तो वो आपका स्पेस यहाँ पे और इंक्रीज कर देगा 500। लेकिन वो कहता है कि अब जितना ग्रुप साइज था उतना ही 500 और उसने एलोकेट कर दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आप अपना स्पेस कभी भी इंक्रीज करा सकते हो, लेकिन पार्टीशन में हमारा जो स्पेस है वो फिक्स हो जाता है। आपने एक बार जो पार्टीशन बना दिया और वो पर्टिकुलर सिंगल हार्ड ड्राइव में से बनाया है, तो सिंगल हार्ड ड्राइव में आप नहीं कर सकते। अगर वो हार्ड ड्राइव आपकी फुल हो गई है तो आप उसका पार्टीशनिंग में से कुछ नहीं कर सकते। अब सपोज करो वो कहता है यार मेरा तो 1500 GB पूरा हो गया, यहाँ पर आपकी 3 हार्ड डिस्क लगाई थी, 1500 GB फुल हो गया, आप क्या करोगे? आप इसी पार्टीशन के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, आप वो डेटा भी चाहते हो, इसलिए मैं नया पार्टीशन बना नहीं सकता, लेकिन आप कहते हैं 1500 GB हो गए, काम करो मुझे और चाहिए, तो मैं नई हार्ड डिस्क लाऊंगा और अपने स्टोरेज के अंदर ऐड कर दूंगा। जैसे ही स्टोरेज के अंदर ऐड करूंगा, मेरे यहां पर क्या हो जाएगा, +500 हो जाएगा, और यहां पर मैं क्या होऊंगा, फिर इससे इसका स्पेस इंक्रीज कर सकता हूं। तो वॉल्यूम्स के अंदर गाइस हम उसके स्पेस को एलोकेट कर सकते हैं, और लिनक्स में इसको बोला जाता है LVM, नाम सुना है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, और विंडोज के अंदर बोला जाता है रेड, नाम सुना है गाइस, Red 5, Red 6, बलोदी, गोपाल, विकास, नाम सुना है? नहीं सर, मैंने LVM और रेड का नाम नहीं सुना। अब हम बात, इसीलिए हमारा जो डॉकर चलता है वो किस पे चलता है, लिनक्स पे। तो इसलिए डॉकर जब लिनक्स पे चलता है तो यहां पर हम क्या क्रिएट करेंगे, वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। तो वॉल्यूम्स का मतलब कि इसके अंदर तो पार्टीशंस होते ही नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, और डायरेक्टरी को ऐसे कॉल करेंगे हम वॉल्यूम्स। इज इट क्लियर गाइस? हाँ जी। तो चलिए पहले हम नॉर्मल एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, फिर वन बाय वन थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स लेके चलूंगा मैं। तो सबसे पहले डॉकर पे हम चलते हैं, और डॉकर पे जाके हम पहले अपना
एक डायरेक्टरी क्रिएट करके देखते हैं। सो जस्ट आई एम लॉग इन विद मशीन एंड देन क्रिएट वन लिनक्स इंस्टेंस। मेरे पे इसलिए डिलीट हो जाती है, मेरे पे बहुत सारा काम होता है। A C A E P3 N A X M X capital, I think so. So click launch stents. मैं इसलिए बार बार बनवाता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। अगर मैं एक ही बार बनवाता तो तुम्हें याद नहीं होता। मैं हर लैब के अंदर ये डिप्लॉय कराता हूँ, डिप्लॉय कराने का रीजन ही मेरा यही है। बट मेरा है, मैं हमेशा डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ जिससे पूरा सेशन पता लगे कि स्टार्टिंग से एंड तक करा क्या है। नहीं तो मैं तो स्टार्टिंग में एक मशीन एक बार बना लेता, उसी पे करता रहता, गिट भी उसी पे करता, उससे आगे वो भी डॉकर भी करता, सब उसी पे, जेंकिन वेंकिन सब उसी पे चला। हाँ बताइए डियर। हेलो, हाँ डियर, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या तब से? मैं भूल ही जा रहा। अब आई है, अब आई है। कहाँ हो भाई? भाई ये तो यार ये गूगल पे अलास्का भी नहीं से बोल मिल रहा। रहा, गूगल पे भी नहीं मिल रहा था ये तो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हाँ डॉकर स्वाम और डॉकर मशीन, डॉकर क्लस्टरिंग के पढ़ाओगे हम? नहीं, ये यार डॉकर एडमिन का पार्ट हो जाता है डेडिकेटेड, क्योंकि ये हम भी वो क्लस्टरिंग पे ही सिर्फ डेवऑप्स काम का नहीं होता, करेंगे। वो आपके डॉकर एडमिन का पार्ट हो जाता है। प्रॉपर आप डॉकर एडमिन करना चाहते हो तो डेवऑप्स के अंदर ओके। मिक्स मिक्स टूल्स हैं। अब आप पर्टिकुलर टूल्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो वो एडमिन पार्ट हो जाएगा उसका। नहीं, डॉकर मशीन और डॉकर या तो डॉकर फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि ये पूछते हैं। हाँ ये बता दूंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा, ऐसा भी नहीं है नहीं बताएंगे। जो जो चीजें बतानी हो ना मुझे ना व्हाट्सएप कर देना। ठीक। तो कल की क्लास के बाद से नेक्स्ट क्लास में ना मैं फिर वही सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि या मैं हो सकता है कल आपको बताऊं, नेक्स्ट क्लास में फिनिश करूं, क्योंकि ये दो कैंडिडेट आएंगे नहीं। तो एनीवेज देख लेंगे, ठीक है ना? आप मुझे बता देना जो जो टॉपिक्स आपको नीड है, तो मैं एक दो सेशन ले लूंगा उसके। ठीक है ठीक है। तो ये वॉल्यूम यार मोस्ट ऑफ वर्क क्लस्टरिंग पे होता है सर। हाँ जो भी है मेरे को लिख के दे देना यार, नो प्रॉब्लम, ऐसे मुझे याद नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, हम अपना इसको एक्सेस करते हैं एंड और आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना डॉकर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, और जो भी चीज हम करते हैं कंटेनराइजेशन पे करते हैं तो हमें कंटेनर अपना डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। शायद नेक्स्ट वीकेंड पे ना मैं आप लोगों को फिजिकल मशीन पे कराऊं, ये डॉकर खत्म हो जाएगा ना, फिर वर्चुअलाइजेशन मशीन पर ही, वर्चुअल मशीन पे, क्लाउड पे नहीं, अपने ही सेटअप पे कराऊं। ठीक, ऑन प्रमाइस। अभी तो हम क्लाउड पे बना के कर रहे हैं ना। अरे इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं होगा, इंटरनेट तो चाहिए। sudo space su space
एंड यम आई एन एस टी इंस्टॉल डी ओ सी के या डॉकर स्पेस हाइफन वाई यम आई एन एस टी ये सीसीएनए में सही है, एक आध स्पेलिंग कम भी रह जाए ना तो कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। माउस उसमें कराते हो ना, आप रियल टाइम पे करोगे तो आपका माउस भी नहीं चलता है। तो डॉकर डॉकर स्टार्ट, डॉकर सर्विस स्टार्ट है, क्या कमांड है सर्विस स्टार्ट करने की गाइस? सर्विस डॉकर स्टार्ट, सो ये अभी तक हमारा बन गया है और हम देखते हैं यहाँ पे डीओसी के या डॉकर आई एम ए जी ई एस इमेजेस, सो नथिंग, कोई हमारे इमेजेस नहीं है, डॉकर पीएस कोई रनिंग कंटेनर नहीं है, डॉकर पीएस स्पेस हाइफन ए कोई स्टॉप कंटेनर भी नहीं है, दैट मींस कि व्हाटएवर हमारा कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना एक वॉल्यूम क्रिएट करना है और जो वॉल्यूम मैं क्रिएट करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप अपने कंटेनर के अंदर कोई वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक ये मेरी मशीन है, मैं अपना एक कंटेनर बना रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग द वन कंटेनर, अब मैं चाहता हूं कि इस कंटेनर पे वॉल्यूम क्रिएट करूं, तो मेरे को दो चीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है, दो चीज मेरी रिक्वायरमेंट है, वो दो चीजें क्या है कि पहली चीज कि मेरा ओएस कौन सा होना चाहिए जिसपे मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा, और दूसरा मेरी लोकेशन क्या होगी जहां पर मैं वॉल्यूम क्रिएट करूंगा इनसाइड द ओएस। मैं चाहता हूं कि मैं अपने रूट स्लैश का मतलब है रूट, रूट के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करूं, रूट के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करूं। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? एवरीवन तो मैंने नाम दे दिया आईसीसीपी वॉल्यूम वन, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो मैं चाहता हूं फाइल से बनाना, सो फाइल से बनाने के लिए आपको पता है कि हम लोगों ने फाइल पहले भी बनाई हुई है, सो चलते हैं अपना सिंपल सा, यहाँ पे मैं सीधा करता हूँ विम डी ओ सी के ई आर, डॉकर का डी कैपिटल होना चाहिए, डी ओ सी के ई आर डॉकर एफ आई एल ई फाइल, मैंने सीधा लिखा वे आई एम विम डॉकर फाइल, आई फॉर इंसर्ट और मैंने यहां लिखा एफ आर ओ एम फ्रॉम और मैं ले लेता हूं उबंटू, और अब मुझे क्या करना है अपना वॉल्यूम क्रिएट करना है, सो वी ओ एल यू एम ई वॉल्यूम बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा लाइक का मैंने दे दिया स्लैश, स्लैश के अंदर है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो कहां पे बने, स्लैश के अंदर बने आईसीसीपी वी ओ एल यू एम ई वॉल्यूम वन, देन स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। अब मैंने क्या करा, अभी तक एक फाइल बनाई है यानी कि आई एम क्रिएटिंग द डॉकर फाइल, मैंने अपनी डॉकर फाइल के अंदर नॉर्मली एक कोडिंग लिख दी है, अब इस डॉकर फाइल के थ्रू, दिस इज माई डॉकर फाइल, और इस डॉकर फाइल के साथ अब मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल सा गाइस कि मैंने अपनी डॉकर फाइल तो बना ली है, अब डॉकर फाइल के थ्रू मैं सबसे पहले क्या क्रिएट करूंगा गाइस, इमेज, इमेज मैं सबसे पहले बनाऊंगा इमेज, इमेज तो क्रिएट इमेज, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी आप डॉकर फाइल बनाएंगे तो उसकी इमेज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, देन अब इस इमेज के थ्रू मैं क्या करूंगा क्रिएट कंटेनर, जब मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा तो क्या होना चाहिए,
इस कंटेनर का ओएस कौन सा होना चाहिए? उबंटू एंड मेरा एक फ्लैश के अंदर आईसीसीपी वॉल्यूम भी बना होना चाहिए, यही तो हम चाहते हैं गाइस, यस और नो? क्योंकि फिलहाल हमारी बेस मशीन पर तो कोई इमेज ही नहीं है, लेकिन गाइस जब मैं ये प्रोसेस कर दूंगा तो मेरी बेस मशीन पर कितनी इमेज आएंगी? योगेश रुक जाओ एक मिनट, मेरी बेस मशीन पर कितनी इमेज आ जाएंगी? तीन आएंगी, कौन कौन सी? मैंने कब ली थी? अबे तो मैंने तो कुछ ली नहीं है, मैंने तो एक नॉर्मल डॉकर फाइल बनाई है। विकास मेरी बेस मशीन पे कितनी इमेज आनी चाहिए अगर मैं यहां तक करता हूं तो? विकास, गोपाल, बलोदी, क्वेश्चन मेरा समझ रहे हो? एक सर, एक सर फ्रॉम उबंटू, उसी वो एक ही आएगी। गोपाल हाँ से एक ही आएगी। विकास, भारती सर मेरे हिसाब से भी सिर्फ उबंटू की आएगी। मैं आपके तीन बोले तो आप, मैं कंफ्यूज हो गया। गाइस यहाँ पर दो इमेज आनी चाहिए, तो बिल्ड इमेज करके जो एक इमेज वो जो कि डॉकर हब से वो उबंटू को डाउनलोड करेगा, और एक जो हम बनाएंगे जिसमें उबंटू ऐड होगा प्लस में वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। यस और नो? हाँ जी हाँ, वो भी आ गई सर। तो दो, एक तो हम क्रिएट ही कर रहे हैं ना, ये तो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इमेज तो रहेगी रहेगी, उबंटू से आ जाएगी, और एक जो क्रिएट कर रहे हो दो। हाँ, और एक डॉकर हब से आएगी, तो डॉकर हब से तो अगर ये क्रिएट करेगा तो ये भी तो इमेज की बेसिक फाइल तो लेगा ना रिकमेंडेड, तो वो उबंटू भी तो आएगा आपका। गॉट इट? विकास, गोपाल, बलोदी जी सर। हाँ जी, अब अगर मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूं अब सेम ही, तो मेरी कितनी इमेज बनेंगी? क्रिएट कर रहे हो कंटेनर, क्रिएट कर रहे हो उसके बाद? मैं एक और फाइल, एक और इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, एक और इमेज, न्यू इमेज क्रिएट कर रहा हूँ। इस बार मैंने दोबारा से फाइल लिखी, उसकी इमेज बनाई सेम उबंटू वाली, और फिर उससे कंटेनर बनाया, तीन हो जाएगी। वन तो पहले तीन हो जाएगी, इमेज हो जाएंगी तीन हो जाएंगी। अब क्यों तीन? क्योंकि अब चार क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस बार ये उबंटू को यहीं से बना लेगा। हाँ, अब वो यहाँ से डाउनलोड नहीं करेगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? यस सर। अब आपके ऊपर है कि जब आप सेकंड टाइम इमेज बना रहे हो तो आप ये वाली इमेज यूज करना चाहते हो, ये वाली। अगर आप ये वाली इमेज करते हो तो इसके अंदर आपके पुराना वॉल्यूम प्लस में नया वॉल्यूम जो डालोगे वो दोनों ऐड होके आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये वाली वॉल्यूम यूज करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका करंट वॉल्यूम आएगा, ओल्ड भी वो जो हमने जो वॉल्यूम बनाया वो आएगा नहीं। गाइज ये चीजें ध्यान भी रखनी है कि किस इमेज में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, उसी हिसाब से आपको अपनी इमेजेस का भी यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? जी क्या सर। तो डॉकर फाइल हमने बना दी है, एंड डी ओ सी के ई आर डॉकर आई एम ए जी एस इमेजेस हम करते हैं। सो देखिए देयर आर नो सिंगल इमेज, हमारी एक सिंगल इमेज भी यहाँ पर नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं, दूसरा एक और चीज की, जब भी आप, मैं एलएस करता हूं तो यहाँ पर मेरी सिर्फ डॉकर फाइल ही है, तो ये करंट डायरेक्टरी, जब भी आप इमेज बनाते हो तो करंट डायरेक्टरी के अंदर जो जो चीज होंगे उन सबको एड ऑन कर देता है, जिसके लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो डॉकर बिल्ड हाइफन टी फॉर टैग, और टैग में मैंने यहां पे नाम दे दी लाइक का माई वीओएल इमेज वन, माई वॉल्यूम इमेज वन मैंने दे दिया है, एंड डॉट। तो देखिए पहले ही यहाँ पे इसने नहीं है, तो इसने अब क्या करा, पहले मेरी पुल करी है और सक्सेसफुली इसने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ गाइस डॉकर इमेजेस, तो देखिए उसने मेरे को यहाँ पे दो इमेजेस दे दी, माय वॉल्यूम इमेज वन के नाम से और दूसरी उबंटू के नाम से।
अब मेरे को जो कंटेनर बनाना है, मैं किसी भी इमेज के थ्रू बना सकता हूं. गॉट इन माई पॉइंट? सो डॉकर रन हाइफन इनिशियलाइज टर्मिनल हाइफन एन ए एम ई नेम, और मैं कंटेनर का नाम यहां पे दे देता हूं, लाइक अ सी ओ एन टी ए आई एन ई आर कंटेनर वन. सो मैंने यहां पे दे दिया कंटेनर का नेम, दे दिया कंटेनर वन. तो कंटेनर वन टू के नाम से मैं यहां पे बना रहा हूं इस बार. हाइफन हाइफन नेम देन कंटेनर वन. अब कंटेनर वन तो आप बनाना चाहते हो तो, बट कहते हैं बट कौन सी इमेज आप यूज करना चाहते हो. तो हमारे पास दो इमेजेस हैं, आप उबंटू के थ्रू बनाना चाहते हो कंटेनर या माई वॉल्यूम इमेज वन के साथ. तो मैं देता हूं माई वॉल्यूम, क्योंकि हमारी तो वॉल्यूम इसी के अंदर है ना. तो माई वॉल इमेज वन मैंने क्या दे दिया, गिव द इमेज नेम स्लैश बिन बैश, रन भी कर देता हूं बिन बैश. कंटेनर आ गया. अब मैं क्या करता हूं, मैंने रूट के अंदर बनाया था, तो देखिए यहां पे स्लैश ऑलरेडी लिखा आ रहा है. तो यहां पे ls, मैं अगर यहां पे cd temp कर देता हूं स्लैश temp, इंटर करके यहां पे ls करता हूं, तो देखिए यहां पर मेरा कोई वॉल्यूम है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो वॉल्यूम बनाया था वो स्लैश के अंदर रूट रूट के अंदर बनाया था, लेकिन अब मैं स्लैश temp के अंदर हूं. तो cd करके मैं बाहर आता हूं और cd स्लैश जाता हूं पहले. तो स्लैश डायरेक्टरी में गया मैं और यहां पे जाके ls करूंगा, तो देखिए यहां पे iccp वॉल्यूम 1 बना आ गया. क्या सब इज इट क्लियर? क्या हम गाइस? हां जी सर. अब मैं करता हूं cd iccp वॉल्यूम. मैं इस वॉल्यूम के अंदर आया और मैंने यहां पे लिखा touch टच योगेश शशि, और ls करता हूं, तो मैंने यहां पे दो फाइल बनाई, एक शशि के नाम से एक योगेश के नाम से. मैं एक और करता हूं mkdir, मैं इसके अंदर डायरेक्टरीज भी बना देता हूं, लाइक बलोदी एंड गोपाल, यानी कि अब मैं अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहा हूं. अगर मैं यहां से cd डॉट डॉट करता हूं, तो आई एम जस्ट बैक वन स्टेप. अब मैं ls करता हूं, तो देखिए यहां पर मेरे को वो डायरेक्टरीज नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो जो डायरेक्टरीज बनाई है मैंने वो इनसाइड द iccp डायरेक्टरी, यानी कि iccp वॉल्यूम के अंदर बनाई है. तो इसलिए वो जो डायरेक्टरी है वो आपको iccp वॉल्यूम के अंदर ही दिखाई देंगे. सॉरी, वार के अंदर नहीं जाना मुझे. और देन ls करता हूं, तो यहां पर वो आपको डिस्प्ले कर रही है. और मैं यहाँ पे गाइस कर देता हूँ exit exit, यानी कि मैं अब कंटेनर से बाहर आ गया दोबारा से अपनी बेस मशीन पे. अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने वॉल्यूम बनाया है, मैं चाहता हूं कि मैंने कि गाइस ये मेरी एक बेस मशीन थी. इस बेस मशीन पे मैंने क्या करा, अपना एक कंटेनर बनाया, और इस कंटेनर के अंदर मैंने यहां पर अपना एक वॉल्यूम बनाया हुआ है. दिस वॉल्यूम कॉल नेम इज iccp वॉल्यूम 1. ये मेरा वॉल्यूम है. दिस वॉल्यूम नेम इज iccp volume वॉल्यूम 1. एंड इस वॉल्यूम के अंदर मैंने कुछ फाइल्स एंड फोल्डर डिप्लॉय करे हुए हैं. Is it clear? यही करा है अभी तक. Guys, मैं चाहता हूं इस वॉल्यूम को एक और कंटेनर बनाना चाहता हूं, उसके साथ शेयर करना. मैं चाहता हूं कि ये जो वॉल्यूम्स है, इसका जो डेटा है, ये इस कंटेनर के साथ क्या हो जाए, शेयर हो जाए. Got it my point? Guys, got it my point? मैं अपना वॉल्यूम क्या करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं. गाइस एक चीज ध्यान रखना, आप सिर्फ वॉल्यूम तभी शेयर कर सकते हो कंटेनर बनाते वक्त. यू कैन शेयर वॉल्यूम ड्यूरिंग डिप्लॉय कंटेनर. और
हमें 100 वॉल्यूम्स बनाने की जरूरत नहीं होती, शेयरिंग के लिए हम मोस्टली एक सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम इस वॉल्यूम को शेयर करेंगे इस कंटेनर के साथ, तो तभी हमें यहाँ पर उसकी कंडीशंस कमांड्स देनी पड़ेंगी। तो लाइक क्या कमांड्स होगी हमारी, मैंने अपना एक वॉल्यूम ऑलरेडी एक कंटेनर बनाया हुआ है, ठीक है, आप देखना चाहते हो तो DOCKER डॉकर PS-ऑल, तो यहां पर मेरा एक माई वॉल्यूम इमेज वन और कंटेनर वन मेरा बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, डॉकर रन हाइफन IT हाइफन हाइफन नेम CONTAINER कंटेनर टू बना रहा हूं मैं। इसके साथ मैं कह रहा हूं हाइफन हाइफन प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब है राइट्स देना चाहता हूं, तो PRIVILEGED प्रिविलेज इज इक्वल टू ट्रू हाइफन हाइफन वॉल्यूम्स, नहीं ट्रू स्पेस नहीं, हाइफन हाइफन VOLUME वॉल्यूम्स फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से, किसका, सो फ्रॉम कहां से मैं लेना चाहता हूं गाइस, मैं लेना चाहता हूं जो मैंने कंटेनर वन या टू या थ्री वट एवर जहां भी आपने बना रखे हैं, बट हमने तो कंटेनर वन बना रखा है, तो CONTAINER कंटेनर वन। उसके बाद पर्टिकुलर वो जो कंटेनर है वो किस ओएस पे बना हुआ है, वो बना हुआ है उबंटू, तो यहां पर जो मैं ले रहा हूं उबंटू में ले रहा हूं /bin/bash, सो अननोन हाइफन हाइफन फ्रॉम करना था फ्रॉन हो गया है। और अब अगर मैं देखता हूं यहां पे CD/temp के अंदर जाके देखता हूं तो नथिंग, यहां पे कुछ नहीं आएगा, बट मैं क्या करता हूं अब मैं अगर सीडी अपने उसी स्लैश के अंदर जाता हूं ls करता हूं तो देखिए यहां पे भी ICCP वॉल्यूम आ गया, और अगर सीडी ICCP वॉल्यूम 1 करता हूं तो वॉल्यूम के अंदर चला गया, ls करता हूं तो वो सारी फाइल आ गई। और मैं अब यहां पे आता हूं टच लाइक TOUCH टच, यहां पे मैं लिखता हूं लाइक का विकास, और मैं यहां पे लिखता हूं लाइक का MKDIR लाइक का INDIA इंडिया US UK, तीन डायरेक्टरी मैंने बनाई, और ls करता हूं तो ये सारा काम मैंने वॉल्यूम 2 पे करा है, आई एम जस्ट वर्क इन वॉल्यूम 2। और मैं क्या करता हूं अब इस पर्टिकुलर कंटेनर से क्या हो गया, एग्जिट हो गया। अब मैं क्या करता हूं DOCKER डॉकर STARTER स्टार्ट CONTAINER कंटेनर 1 में स्टार्ट करता हूं एंड डॉकर अटैच कंटेनर वन से अटैच होता हूं, देन ls करता हूं गाइस यहां पे तो ICCP वॉल्यूम आ गया CD ICCP वॉल्यूम 1 और देन ls करता हूं तो देखिए US UK विकास वो सब ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया, यानी कि मैंने यहां पे क्या करा है कि अपने कंटेनर्स को दूसरे कंटेनर के साथ शेयर कर दिया, यानी कि मैंने क्या करा 2 कंटेनर बनाए हैं ICCP वॉल्यूम 1 और दिस इज माय कंटेनर 1 और ये मेरा कंटेनर 2 है। और मैंने क्या करा है दोनों कंटेनर के साथ अपने इस वॉल्यूम को क्या करा है शेयर करा है, किस वाले को, ICCP वॉल्यूम। सो जब मैंने शेयर करा तो हुआ क्या कि मेरा यही वॉल्यूम ICCP वॉल्यूम जब मैंने शेयर करा तो ये यहां पर भी आ गया सेम वॉल्यूम। और इसके अंदर जो भी काम कर रखा था मैंने वो सारा का सारा काम भी यहां पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। गाइस होल्ड करना एक मिनट,
क्लियर दिस हुआ? कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड. तो गाइस अभी हमने क्या करा है कि हमने अपना जो कंटेनर यानी कि जो वॉल्यूम बनाया है ना, आप वॉल्यूम्स शेयर कर सकते हो विद कंटेनर टू कंटेनर. ऑल्सो यू कैन शेयर वॉल्यूम. तो कंटेनर टू कंटेनर का मतलब है जो ये हमने करा है अभी. अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, आईसीसीबी वॉल्यूम वन जो कि कंटेनर वन पर है उसको कंटेनर टू के साथ शेयर करा है. गाइस ऑल्सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने वॉल्यूम को बेस मशीन के साथ भी शेयर कर सकता हूं, यानी कि शेयर वॉल्यूम विद होस्ट मशीन. होस्ट मशीन का मतलब बेस मशीन जो है टू कंटेनर. आप चाहते हो कि यहां पर आपकी बेस मशीन, ये दिस इज माय बेस मशीन, ये मेरी बेस मशीन है, ये मेरी बेस मशीन के अंदर अगर ये मेरी बेस मशीन का कोई वॉल्यूम बना हुआ है, आप इसके अंदर कोई डेटा रखते हो तो वो डेटा ऑटोमेटिकली मेरे कंटेनर के अंदर आ जाए. गाइस गॉट इट द मीनिंग कि मैं अब अपना कंटेनर शेयर करना चाहता हूं किसके साथ, होस्ट मशीन का कंटेनर यानी होस्ट मशीन का वॉल्यूम मैं किसके साथ शेयर करना चाहता हूं, बेस मशीन के साथ. इज इट क्लियर गाइस? हेलो यस. चलिए तो करके देखते हैं इसको भी हम. सर अगर मैं कंटेनर टू से फिर एक और वॉल्यूम बनाऊं और इसकी बिल्कुल वॉल्यूम आप कर यहां सकते से हो शेयर करूं तो, लेकिन ये कंटेनर वन पे शेयर नहीं करेगा डाटा सेट फिर आपके ऊपर है ना. आप फिर जब वॉल्यूम शेयर करोगे तो चाहे तो कॉमन वॉल्यूम आप सारी जगह शेयर करते चले जाओ. हाँ अगर मैंने वॉल्यूम यहाँ आ गया, अब जब आप कंटेनर टू से कंटेनर थ्री लोगे तो कंटेनर थ्री में भी आप इसी वॉल्यूम का नाम दे देना, तो इस वॉल्यूम का जो डेटा होगा वो कंटेनर थ्री पे चला जाएगा. तो अब वन बाई वन भी डालेगा तो टू को भी दिखाई देगा, थ्री को भी दिखाई देगा. अगर आप वॉल्यूम नेम चेंज कर दोगे तो वो तो डिफरेंट स्टोरेज बन जाएगा ना, डिफरेंट शेयरिंग वॉल्यूम बन जाएगा ना. नहीं समझे? लाइक मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से वॉल्यूम थ्री. जब आप वॉल्यूम थ्री करेंगे तो हमने पहले वन से टू करा था, अब या तो आप वन से थ्री कर दो या टू से थ्री ले लो. तो टू से थ्री भी लोगे तो आपको सेम ही वॉल्यूम का नाम लेना पड़ेगा, तब ये सेंट्रलाइज होगा. सेंट्रलाइज का तो मतलब है ना कि सारी जगह कॉमन नाम यूज होगा. वॉल्यूम या कंटेनर का नेम, सेम कंटेनर का नेम लेना पड़ेगा. आईसीसीपी वी ओ एल यू एम ई वॉल्यूम, यानी कि कंटेनर का नाम लोगे ना यार. हाँ हाँ वही. सो जिस भी कंटेनर से शेयर करेंगे तो उसके अंदर तो वो वॉल्यूम है ना ऑलरेडी. जी हाँ. तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा शेयर वाला. या हम क्या करें, इस कंटेनर से इमेज बनाए नहीं और फिर शेयर करें, बट वो तुक नहीं है. इमेज बार बार हम इमेज बनाए तो अननेसेसरी इमेज में भी हमारा वो जा रहा है. बट अब हम चाहते हैं कि हम अपनी बेस मशीन से कंटेनर के साथ शेयर करें. ओके. क्योंकि भाई मेरा हाथ जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मैं तो फिजिकल मशीन पे डेटा है. फिजिकल मशीन से मुझे कौन सा डेटा शेयर करना है अपने कंटेनर पे, लाइक तो वो आपके ऊपर है ना कि लाइक आप यार ये पर्टिकुलर फाइल अपनी फिजिकल मशीन पे डाल दो, वो फिजिकल मशीन पे डाले तो कंटेनर्स के साथ शेयर हो जाए. लुक लाइक यार एक विंडोज में जो हम कहते हैं ना नेटवर्क ड्राइव, शेयर ड्राइव बना देते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पर भी. सो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम कि हमें अपनी बेस मशीन पर भी क्या करना पड़ेगा, एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा. सो चलते हैं हम अपनी बेस मशीन पे. लाइक दिस इज माई बेस मशीन और मैं यहाँ पे लाइक का एक वॉल्यूम बना देता हूँ, लाइक का आईसीसीपी वी ओ एल यू एम ई वॉल्यूम टू बना देता हूँ. अब मैं आईसीसीपी वॉल्यूम टू को शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर. जब आईसीसीपी वॉल्यूम टू यहाँ आ जाएगा तो अब आप यहाँ से यहाँ और दोबारा शेयर करेंगे तो टू भी शेयर हो जाएगा सारी जगह. तो बेस मशीन पे कुछ डालेंगे तो वो भी आ जाएगा. तो चलते हैं अपनी बेस मशीन. तो ये तो अभी हम कहाँ पर हैं, कंटेनर के अंदर है. मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ. एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया अपना बेस मशीन पर. एंड बेस मशीन पे आने के बाद सिंपल सा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे अगर शेयर करना है तो पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं.
मैं एक वॉल्यूम बनाता हूं यहां पे, यानी कि एक वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूं अपना EC2 के अंदर विद द नेम ऑफ की डॉकर, स्पेस रन स्पेस हाइफन आईटी हाइफन 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 NAME नेम स्पेस, नाम दे देता हूं EC2 कंटेनर, EC2 कंटेनर का मतलब है कि मैं अपनी फिजिकल मशीन के लिए हाइफन वी, वी का मतलब गाइस पेस्ट होता है, स्लैश मेरा जो मैं चाहता हूं कि मेरा जो बेस मशीन पर डेटा है, यानी कि मेरी जो बेस मशीन की डायरेक्टरी है वो कौन सी डायरेक्टरी शेष हो, तो मैं कहता हूं स्लैश होम, होम के अंदर मेरी एक EC2 है, EC2 हाइफन यूजर। गाइस देखिए अभी मैं करंटली कहां पर हूं, EC2 यूजर पर ही हूं, तो EC2 हाइफन यूजर। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मेरी एक डायरेक्टरी बन जाए विद द नेम ऑफ ICCPVOLUME2 के नाम से, इसके अंदर मेरी एक डायरेक्टरी है ICCPVOLUME2 स्पेस हाइफन हाइफन प्रिविलेज PRI इक्वल टू ट्रू स्पेस Ubuntu यूज करना चाहता हूं, Ubuntu के साथ शेयर हो जाए, स्पेस स्लैश बिन स्लैश BASH बैश, मे बी एरर आएगा, नहीं हो गया। और अब देखिए गाइस मैं अगर यहां पे ls करता हूं तो देखिए ICCPVOLUME2 आ गया, मैं अभी अपने कंटेनर के अंदर हूं गाइस, और मैं अगर इस कंटेनर के अंदर जाके अब मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ लाइक cd स्पेस ls सॉरी cd ICCPVOLUME2 और ls करता हूं तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ डॉकर फाइल ही पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे EC2 के अंदर क्या बनाई थी गाइस अगर आपको पता हो तो मैंने डॉकर फाइल ही क्रिएट करी थी, याद है। अब मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ लाइक touch टच माई INDIA इंडिया फाइल है, और देखिए इस समय मैं कहां पर हूं, कंटेनर के अंदर हूं गाइस, मैं एग्जिट करता हूं यहां से, और अब मैं अगर यहां पे ls करता हूं तो डॉकर फाइल तो मेरी आ रही है भाई, क्या हुआ डॉकर फाइल उसका इधर शेयर नहीं हुआ, अच्छा होस्ट टू डॉकर शेयर होना था ना, तो यार फाइल तो आनी चाहिए यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ mkdir लाइक हेलो देन ls और ls करने के बाद अब मैं अगर जाता हूं docker डॉकर ps space हाइफन ऑल, कंटेनर का नाम क्या था मेरा EC2 कंटेनर वन, तो आ रहा है ना, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ना अभी, स्टार्ट तो क्या कमांड है स्टार्ट की, कंटेनर स्टार्ट स्टार्ट कंटेनर सॉरी docker डॉकर str स्टार्ट, अबे भाई कहाँ आएगा docker डॉकर str स्टार्ट EC2 CONTAINER कंटेनर वन, वो डी कैपिटल डॉकर फाइल के अंदर जरूरी है, एंड डॉकर अटैच EC2, इसमें यार शॉर्टकट कमांड नहीं चलती, एक तो CONTAINER कंटेनर वन और देन ls एंड ICCPVOLUME2 ICCPVOLUME2
तो गाइस देखिए यहाँ से हेलो फाइल हमारी आ चुकी है, यानी कि बेस मशीन से अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कंटेनर में आ जा रहा है, बट कंटेनर से जो हम लिख रहे हैं वो बेस मशीन में क्यों नहीं जा रहा, मैं वो देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वन वे हो रहा है ना। मैं अब कंटेनर में लिख रहा हूँ तो वो मेरे बेस मशीन में भी जाना चाहिए जब कंटेनर से कंटेनर में जा रहा है। गाइस गॉट इट, मैं क्या करने जा रहा हूँ, जी हाँ जी हाँ होस्ट टू कंटेनर जा रहा है, मैं चाहता हूँ कंटेनर टू भी होस्ट जाए। तो उसके लिए आई थिंक सो मेरे को जो कमांड लिखनी पड़ेगी वो लिखनी पड़ेगी उबंटू वन वॉल्यूम फ्रॉम दिस टू दिस। तो चलिए कमांड लिखने की कोशिश करते हैं गाइस यहाँ पे, तो ई एक्स आई टी एग्जिट हो जाते हैं और नई कमांड पे एक थोड़ी सी हम R&D करते हैं इसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था डॉकर, तो यहाँ पे कमांड लिखते हैं हम अपनी डॉकर रन रन स्पेस हाइफन IT हाइफन हाइफन नेम। नेम में गाइस मैं दे देता हूँ EC2 कंटेनर, सॉरी CONTAINER कंटेनर वन। क्या नाम दे दिया, कंटेनर वन। एंड कंटेनर वन के बाद हाइफन हाइफन प्रिविलेज, सॉरी कंटेनर वन तो बना हुआ है ऑलरेडी, फोर हाइफन हाइफन PRIVILEGED प्रिविलेज्ड इज इक्वल टू TRUE ट्रू स्पेस हाइफन हाइफन वॉल्यूम फ्रॉम स्पेस EC2 वॉल्यूम फ्रॉम VOLUME वॉल्यूम हाइफन FROM फ्रॉम स्पेस हाइफन हाइफन सॉरी वॉल्यूम फ्रॉम EC2 नहीं वॉल्यूम फ्रॉम क्या है हाइफन V स्पेस स्लैश होम स्लैश EC2 हाइफन USER यूजर EC2 हाइफन यूजर इज इक्वल टू स्लैश ICCP स्पेस UBUNTU उबंटू बिन BASH बैश हाइफन हाइफन वॉल्यूम फ्रॉम अननोन कमांड ले रहा है ये। वॉल्यूम्स होगा ना वहां पे, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम्स करना उसको एक बार। वॉल्यूम सी आएगा नहीं डॉकर रन कमांड एक्चुअली, क्या है ना मैं चाह रहा करना। हूं कि कंटेनर के साथ उसको शेयर करना। डॉकर वॉल्यूम रन एक मिनट पहले एलएस एक डायरेक्टरी बनाते हैं या तो बेस मशीन पे उसको शेयर करते हैं किसी कंटेनर के साथ, उसको अब IRICCP इसको शेयर एलएस करते हैं CD ICCP इसके ये अंदर हो कुछ गए लिख ना। लेते हैं। पहले अब अगर हम इसको शेयर करना चाहते हैं तो हम वही कमांड ले लेते हैं अपनी इसके अंदर यार, कुछ लिख लेते हैं ये हमारी कमांड है EC2 कंटेनर। लाइक मैं यहाँ पे टू बना लेता हूँ, EC2 कॉन टू के नाम से बना लेता हूँ, हाइफन वी होम स्लैश और मैं यहाँ पे बना देता हूँ ICCP के नाम से, क्लियर। तो बट मुझे यहाँ पे फिर कॉलन लगाने की जरूरत क्या, मैं सीधा ये करता हूँ ना, क्यों तो मेरा एक कंटेनर बन जाना चाहिए, बन बन गया। गया ls करता हूँ और ls करने के बाद मेरा ICCP तो यहाँ
आया ही नहीं है, सो ही नहीं कर रहा। कॉलन लगाना पड़ेगा क्या? मतलब सीडी स्लैश डबल कॉलन लगाना पड़ेगा दोनों डायरेक्टरीज के लिए। क्या हो आ गए? गया दिख रहा है आईसीसी भी आ गई ना। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सीडी आईसीसीपी, यहाँ पे लिखता हूँ लाइका MKDIR हेलो 1 हेलो 2 NTOUCH टच YOGESH योगेश 1। क्यों भाई? LSEXIT एग्जिट देन LS सॉरी नहीं आ रहा यार, देखना है इसको आप लोग। गया यार, यहीं पर ही आ रहा है, पेरेंट डायरेक्टरी में आ रहा है, इसी टू के अंदर ही। हेलो हेलो वन आ गया, योगेश वन भी आ गया, इसी टू के अंदर आ रहा है। यानी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इस कमांड इसी का टू को मीनिंग क्या हटाना हो रहा है? पड़ेगा, हमने इसी नहीं टू को नहीं हटाना पड़ेगा वहां से इसका होम। मीनिंग क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो हम वो दे रहे थे ना कॉलन के बाद स्लैश, तो कॉलन के बाद जो स्लैश दे रहे हैं ना, वो डायरेक्टरी हमारी कंटेनर पे बनेगी उस नाम से। और ईसी टू होम हमारी डायरेक्टरी है। अब अगर हम अपनी किसी डायरेक्टरी को शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कमांड चलेगी गाइस, एक इसी टू मिनट। यूजर को हटाना पड़ेगा नहीं नहीं होम। नहीं ईसी टू यूजर को नहीं हटाना पड़ेगा हमें। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें स्लैश देके आईसीसीपी लेना पड़ेगा। हाँ यार ये समझ गए? डॉकर कंटेनर 3 ऑलरेडी है तो इसको हटा दो, कंटेनर 4 कर दो उसको, देखते अब जाएगा उसके अंदर वाली फाइल के अंदर भी। कुछ समझे हैं नहीं समझे? जी। हम अब मैंने यहां पे गया, अब मैं गया एलएस करा तो आईसीसीपी नाम से आ गई। सीडी करके मैं गया आईसीसीपी के अंदर और मैं यहां पे लिखा MKDIRVIKAS विकास गोपाल INDIA इंडिया और देन EXIT एग्जिट देन LS। तो यहाँ पे नहीं दिख रहे। अब मैं अगर सीडी करके आईसीसीपी के अंदर जाता हूँ और एलएस करता हूँ तो यहाँ दिखेगा। समझ गए क्या था? जी हम जी हम लोग सर क्या कर रहे थे एक्चुअली, क्या ये वाला जो पार्ट है ये है हमारी सोर्स मशीन का, तो जी हम हमें लेना है अपना फिजिकल मशीन का, और ये वाला पार्ट है हमारे कंटेनर का। जी हम इज इट क्लियर? जी हाँ क्लियर सर। चलिए गाइस, तो ये वॉल्यूम वाला होता है कि वॉल्यूम्स आप कैसे बनाओगे, इमेज कैसे क्रिएट करोगे, वॉल्यूम्स कैसे शेयर करोगे, पेरेंट वॉल्यूम या सब वॉल्यूम्स, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू फिजिकल। तो ये देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर गाइस ये एक्यूरेट पाथ आपको पता होना चाहिए। अगर आपका एक्यूरेट पाथ पता होगा तो क्लियर हो जाएगा, वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। कर सकते हैं हम वॉल्यूम भी डिलीट। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे एक अर्जेंट मीटिंग भी है, ठीक है? मीटिंग क्या एक है, कुछ काम है मेरे को। तो कल मोस्ट प्रॉबली है मैं डॉकर का पार्ट फिनिश करूंगा, और नेक्स्ट वीकेंड पे जो बलोदी आप बोल रहे हो ना वो मेरे जी को हाँ आप सर बता देना, तो नेक्स्ट वीकेंड पे हम वो चीजें कर लेंगे, ठीक है सर ओके ठीक है? वो दो तीन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्लियर? ठीक है हाँ, सर। हाँ हाँ सर इसके ठीक बाद ठीक शायद मेरा मूड है सेफ करूंगा या जेंकिन करने के मूड में हूं मैं, देखते हैं वो डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, जो भी होगा बता दिया कुबरनेटिस या जाएगा। जेंटली।
हाँ कुबरनेटीज या जेनकिंग? देखते हैं, जेंकिंस सैफ कुबरनेट में से कौन सा करता हूँ। सैप को ठीक मत है, रहना सर, कुबरनेटीज या जेनकिंग में से एक उठा लो, कुबरनेटीज ही सैफ तो उठा लो। ऑप्शनल दे रखा है मैंने आप लोगों को। हाँ तो उसको लास्ट में रखते हैं ऑप्शनल, क्योंकि वैसे हमें तो पांच ही टाइम टूल्स हैं ऑलरेडी। आपको जो कराने हैं, गेट, गेट हब, हाँ जेंकिन और आपका पपट, कुबरनेट, बाकी सैफ, सिलेनियम ये ऑप्शनल है। अगर क्योंकि आप हमें करना मतलब, चाहोगे तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। बट हाँ तो नेक्स्ट उसके बाद सैफ जेंकिंग या बहुत उस, इंपॉर्टेंट टूल है जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हो रहा है, ठीक नहीं सर है उससे ना, ज्यादा एनसीएल को ऑटोमेशन कवर के करना हिसाब से चाहिए। बहुत सॉलिड टूल है। अच्छा चलिए गाइस, मिलते हैं फिर। ठीक है सर। ओके।